सब्सक्राइब करें हिस्टोरिकल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जब भी ब्लैक होल के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जाहिर सी बात है, अंतरिक्ष में ब्लैक होल की घटना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ब्लैक होल की घटना भारत के कलकत्ता में भी घटी थी? इस घटना के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये ऐसे लोग जिन्हें हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, उन्हें इसके बारे में जरूर पता होगा। लेकिन मेरे हिसाब से इस घटना के बारे में हर इंसान को जानना चाहिए। हिस्ट्री में ये एक ऐसी घटना थी जिसे देखकर लोगों की रूह कांप उठी थी। हेलो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री की सबसे बड़ी घटना को आप सभी के सामने लेकर आए हैं। ये घटना कलकत्ता के फोर्ट विलियम में हुई थी। इस घटना के बाद हर कोई सहम गया था। कलकत्ता का फोर्ट विलियम अपने साथ कई रहस्य को लेकर खड़ा है। फोर्ट विलियम के एक कमरे में बहुत सारे राज दफन हैं। ये फोर्ट अंग्रेजों के जमाने में बनवाया गया था। इसको बनवाने वाला भी अंग्रेज ही था। इंग्लैंड के राजा विलियम थर्ड ने इसको बनवाया था। इस समय ये हुगली नदी के किनारे पर स्थित है और अभी ये भारतीय थल सेना के पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर है। अंग्रेजों ने इस फोर्ट को इसलिए बनवाया था ताकि वो अपनी फैक्ट्रियों को सेफ रख सकें। इस किले की खासियत यह है कि इसमें एक ऐसा कमरा है जिसका नाम ही ब्लैक होल था। ये फोर्ट 10 साल में बनकर खड़ा हुआ था। फोर्ट के ब्लैक होल कमरे को अंग्रेज लोगों को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन बाद में ये कमरा उन्हीं के लिए फांसी का फंदा बन गया। आइए ब्लैक होल की पूरी घटना हम आपको दिखाते हैं। दरअसल जब मुगलों का शासन खत्म होने की कगार पर आया तो अलग अलग सूबों में नवाबों का बोलबाला होने लगा। इसमें से एक था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। हिस्ट्री में नवाब सिराजुद्दौला बहुत पॉपुलर था। अंग्रेज नवाब का नाम सुनते ही कांप जाया करते थे। जब कलकत्ता का फोर्ट विलियम बनकर तैयार हो गया, उसके बाद अंग्रेजों ने चालबाजी करके अपनी सैन्य शक्ति को फोर्ट में बढ़ाना शुरू किया। ये बात नवाब को पता चल गई। नवाब ने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वो ऐसा ना करें, लेकिन अंग्रेज तो थे आदत से मजबूर। बिना लड़े झगड़े उन्हें बात कहां समझ में आती थी। उन्होंने सिराजुद्दौला की बात नहीं मानी और फिर वर्ष 1756 में जून की तड़पती धूप में नवाब निकल पड़े सेना लेकर फोर्ट विलियम की ओर। 19 जून को वो दिन था जिस दिन नवाब ने फोर्ट पर अपनी सेना लेकर चढ़ाई शुरू की थी। अंग्रेज उस समय इतने ताकतवर तो थे नहीं कि वो मुकाबला कर सके, इसलिए कुछ तो पानी के रास्ते भाग खड़े हुए और कुछ बचे हुए सैनिक नवाब की सेना के आगे ढेर हो गए। करीब 200 अंग्रेजी सैनिक वहां उस समय मौजूद थे। अंग्रेजी कमांडर जॉन जेट हॉलवेन ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। काफी तबाही के बाद 20 जून को 146 लोगों को फोर्ट के ब्लैक होल कमरे में बंद कर दिया गया। इसमें महिलाएं और बच्चे सब शामिल थे। ब्लैक होल का दरवाजा 23 जून को दोबारा खोला गया। दरवाजा खुलने पर महज 23 लोग ही जिंदा बच पाए थे, बाकी 123 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। जितने लोग मरे थे उन्हें वहीं पर गड्ढा खोदकर दफन कर दिया गया था। वर्तमान समय में उस जगह पर ब्लैक होल मेमोरियल बना हुआ है। ये ब्लैक होल घटना कितनी सच है कितनी झूठ, ये अभी भी एक डाउटफुल प्रश्न है। इसको लेकर अलग अलग हिस्टोरियंस की अलग अलग राय है। वो कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बातें, बस वैसा ही इसको लेकर भी है। सो ये थी कलकत्ता के ब्लैक होल की पूरी स्टोरी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।